आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आयुर्वेद से बिलोंग करते हों या वो एलोपैथी के स्टूडेंट हों या आयुर्वेद के से अपनी स्टडी कर रहे हों, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हों या GNM हो NM हो, जो भी स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। सब्जेक्ट सिलेबस बताए जा रहे हैं जो बेसिक हैं, मेडिकल से रिलेटेड एलोपैथ के हो या आयुर्वेद के हो, बेसिक टर्म जो भी हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें बताई जा रही हैं। और जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें ये भी पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज बनाई है जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों का परिचय आप सभी को दिया है। बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो कि बहुत ही कारगर है अलग अलग बीमारियों में, उसका परिचय इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दिया गया है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी औषधि से आपको परिचय कराने के लिए लेके आया हूं जो बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन सी औषधि है और उसके लाभ क्या है, उसको प्रयोग में कैसे लेंगे, और जो फाइनल ईयर डी फार्मेसी जो आयुर्वेद से कर रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो स्टूडेंट फार्मेसी आयुर्वेद से कर रहे हैं, वो भी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। क्योंकि मैं लास्ट में, जैसा कि जो चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि वीडियो के लास्ट में मैं घटक द्रव्य बताता हूं। जब भी कोई आयुर्वेदिक दवा आपके सामने मैं परिचय कराने के लिए लेके आता हूं तो उसका घटक द्रव्य अवश्य बताता हूं। घटक द्रव्य बताने से मेरा तात्पर्य यही है कि जब भी घटक द्रव्य मैं बताता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए वो घटक द्रव्य वो याद कर लें या कहीं नोट करके रख लें, जिससे वो उस आयुर्वेदिक औषधि को वो खुद बना सकें और प्रयोग में ले सकें। या जो भी मेडिकल के स्टूडेंट जो आयुर्वेद से फार्मेसी कर रहे हैं उनका फार्मा है तो वो खुद अपने फार्मेसी में उस दवा को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं और उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की औषधि कौन सी है। तो आज की जो औषधि है उसका नाम है प्रभाकर बटी। आज की औषधि का नाम है प्रभाकर बटी। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी औषधि, आयुर्वेदिक औषधि जो है उसका इंट्रोडक्शन आप सभी से कराया है। तो जो चैनल पे नए हैं वो जाकर के आयुर्वेदिक औषधियों की जो अलग अलग जो वीडियोस है वो आप जाकर के देख सकते हो और दूसरे तक भी पहुंचा सकते हो। तो आज की जो औषधि है प्रभाकर बटी, जैसा कि आपके आसपास या आस पड़ोस में या परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हार्ट डिजीज से बहुत ज्यादा परेशान होंगे, हृदय रोग से बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे, हृदय रोग से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, या ऐसे बहुत सारे पेशेंट होंगे जो आपके आसपास हो और सांस की दिक्कत हो या फेफड़ों में की जो बीमारी हो उससे प्रभावित हो, तो आज की जो वीडियो है, आज की जो औषधि है जिसका इंट्रोडक्शन आपसे कराने के लिए लेकर के आया हूं, नाम मैंने बता दिया है प्रभाकर बटी। तो ये हृदय रोग और फेफड़ों के रोग के लिए बहुत ही कारगर औषधि है और भी बहुत सारी बीमारियों में लाभकर है। तो वीडियो में बने रहिएगा और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस किस बीमारियों में ये लाभ करता है और कितनी मात्रा इसकी लेनी है, कैसे प्रयोग करना है, और फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बताऊंगा कि इसके घटक द्रव्य क्या है जिससे वो आसानी से इस दवा का निर्माण कर सकें और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में और भी ज्यादा चीजें। प्रभाकर बटी ये हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे कारगर औषधि है आयुर्वेद की। हृदय रोगों में ये बहुत ज्यादा कारगर है जिसका नाम है प्रभाकर बटी। इतना ही नहीं, ये फेफड़ों के रोग के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है और बहुत सी बीमारियों में बहुत ज्यादा लाभदायक है। जैसे अगर कोई भी पेशेंट है जिस जो हृदय रोग से पीड़ित है उसके उपचार के लिए उत्तम दवा है, और दूसरी चीज फेफड़ों को ये बल देने वाला है, फेफड़ों को बल देता है, हृदय को बल देता है, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में ये लाभकर है। जैसे अगर देखें हृदय रोग में कौन कौन से रोग होते हैं, तो कुछ रोग जो है जिनमें ये ज्यादा विशेषकर लाभ पहुंचाती है, जैसे अगर हृदय की धड़कन बहुत तेज हो गई है या थोड़ा सा काम करने पर ही सांस फूलने लगता है, तो ये औषधि उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकर होने वाली है। क्योंकि इसका जो मेन जो इस औषधि का प्रयोग है वो हृदय को बल देने का और फेफड़ों को बल देने का काम है, तो ये हृदय रोग और फेफड़ों रोग के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। इसी के क्रम में और देख लेते हैं और किन बीमारियों में ये लाभ में आता है। फिर रोग में बहुत ज्यादा कारगर है, मैंने बताया आपको कि ये जो है हृदय रोग और फेफड़ों के रोग में बहुत ज्यादा कारगर है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। तो
जैसा मैंने बताया कि अगर लीवर की साइज बढ़ जाती है, लीवर की साइज अगर बढ़ जाती है, साइज इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं और इसका ज्यादा असर हमारे हार्ट पे होता है, हमारा हृदय भी इससे बीमार हो जाता है। लीवर की साइज बढ़ने से हृदय में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उस समस्या का समाधान प्रभाकर बट्टी है। अगर प्रभाकर बट्टी का नित्य प्रतिदिन प्रयोग में उसका उसको प्रयोग में लेते हैं, नित्य प्रतिदिन प्रयोग में लेते हैं, तो इससे लाभ प्राप्त होता है। ये आजमाई हुई औषधि है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो प्रभाकर बट्टी का प्रयोग करके निश्चित ही लाभ पा चुके हैं। तो मेरी ये जो भी हृदय रोग के जो भी पेशेंट है, आप एक बार प्रभाकर बट्टी को आप आजमा के देखिए। मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड को ये नहीं कहने वाला हूं कि आप इस ब्रांड का लीजिए चाहे उस ब्रांड का। मार्केट में जो भी ब्रांड आपको अच्छे लगते हैं, जो भी नाम वाले जो प्रसिद्ध जो ब्रांड है, उसका आप प्रभाकर बट्टी ले सकते हो और प्रयोग में ले सकते हैं। और आपको जो भी समस्याएं हैं, जो मैं समस्याएं बता रहा हूं, उसमें आप प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर प्रयोग से पूर्व आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक, जो जानकार हो आयुर्वेदिक चिकित्सक, उसकी सलाह ले लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब कि आपको इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इससे नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों में अनुपान और मात्रा, इसका विशेष ध्यान देना है, तभी इसका असर आपको अच्छे से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन सी बीमारियों में ये प्रयोग में लिया जा सकता है। ऐसे कोई भी पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, नींद आने में दिक्कत है, नींद नहीं आती है, तो ऐसे पेशेंट जिनको नींद नहीं आती है, नींद लेने में दिक्कत है या सही से सो नहीं पाते हैं, उनको भी मैं प्रिस्क्राइब करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि आप प्रभाकर बट्टी का प्रयोग कीजिए आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से। तो आपको निश्चित ही जो नींद आने की जो समस्या है वो भी दूर होगी, वो समस्या का समाधान उसमें मिलेगा। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब उच्च रक्तचाप में बीपी है पेशेंट, हाई बीपी से अगर ग्रसित है, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पे जो भी हाई बीपी वाले पेशेंट है, वो प्रभाकर बट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से आपकी जो बीपी की जो समस्या है, हाई बीपी की जो समस्या है, वो मॉडरेट हो जाती है, नॉर्मल बीपी हो जाता है अगर रेगुलर आप इसका प्रयोग करते हो तो। इसके अलावा अगर शारीरिक कमजोरी है, अगर शरीर में कमजोरी है या वीकनेस है, अगर वीकनेस है तो शारीरिक कमजोरी में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये हमारे शरीर में अगर शारीरिक कमजोरी हुई है या शरीर दुर्बल है, तो उसमें भी अगर प्रभाकर बट्टी का प्रयोग करते हैं तो ये निश्चित ही लाभ पहुंचाती है। उसी के क्रम में अगर देखें तो अगर आई डिजीज है या अगर आंखों में बीमारी हुई है, अगर आंख की समस्या है, आंख में बीमारी हुई है, आंख का रोग है, जैसे कामिया में भी आप प्रभाकर बट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। आंख के भी कुछ जो रोग हैं उसमें ये असरदार है, ज्यादा लाभ पहुंचाती है। उसी तरह से अगर खून की कमी है, मतलब एनीमिया है या खून की कमी है, अगर खून की कमी है तो उसमें भी इसका प्रयोग आप चिकित्सक की सलाह पर ले सकते हो। तो आप ध्यान से जो भी बातें बताई जा रही है, अगर उस पे आप ध्यान से अगर उस बातों को अगर देखें तो आपको दिखेगा कि बस हृदय रोग और फेफड़ों के रोग में ये नहीं लाभ पहुंचा रहा है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में ये लाभ पहुंचा रहा है। जैसे कि लीवर की साइज बढ़ने से अगर हृदय प्रभावित होता है या शरीर में बीमारी होती है, तो उसमें भी प्रभाकर बट्टी लाभकर है। नींद नहीं आ रही है तब भी लाभकर है, हाई बीपी में लाभकर है। उसी के क्रम में मैंने बताया अगर खून की कमी है तो उसमें भी प्रभाकर बट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर चिकित्सक की सलाह से इसका निश्चित मात्रा का प्रयोग आप करते हो तो आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। उसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, जिसको डायबिटीज है, मधुमेह है, तो डायबिटिक जो पेशेंट है उनको भी अगर प्रभाकर बट्टी का प्रयोग रोज प्रतिदिन अगर प्रभाकर बट्टी का प्रयोग वह करता है तो उसको निश्चित बेनिफिट इससे मिलता है। अगर पीलिया हुआ है, किसी पेशेंट को पीलिया है, पीलिया से प्रभावित है, तो वो भी प्रभाकर बट्टी का प्रयोग चिकित्सक की सलाह पे कर सकता है। उसी के क्रम में अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनको वीर्य विकार है, भी प्रभाकर बट्टी का प्रयोग कर सकता है, निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऐसे कोई भी पेशेंट जो मस्तिष्क के रोगों से प्रभावित हो, मस्तिष्क रोग से भी अगर प्रभावित है, मस्तिष्क अगर विकार है, मस्तिष्क विकार से भी अगर प्रभावित है कोई ऐसे पेशेंट
जो मस्तिष्क विकार से प्रभावित है, तो वह भी चिकित्सक की राय के अनुसार प्रभाकर बट्टी का प्रयोग ले सकते हैं, निश्चित ही लाभ उसमें मिलेगा। और यह मेरे द्वारा बताई गई है आपको और जिसमें प्रयोग बताया गया है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दिया जा रहा है कि अगर आप एलोपैथिक दवा करा करके हार चुके हैं, थक चुके हैं, आपको आराम नहीं है, तो मेरी सलाह पर आप आयुर्वेद की इस औषधि का, इस बट्टी का प्रयोग करके देखें। अगर आपको निश्चित तौर पे अगर लाभ मिलता है, तो मैं समझूंगा कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया उससे वो इन्फॉर्मेशन देना मेरा सफल हुआ, और आपको अगर लाभ मिलता है तो मुझे भी खुशी होगी। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे पेशेंट है जो बहुत सारी दवाइयां कराने के बाद से भी अगर उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके तक इस वीडियो को पहुंचाएं और ये कोशिश करें कि उसकी जो भी समस्या है चिकित्सक के परामर्श के अनुसार कहें उससे कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पे प्रभाकर बट्टी का प्रयोग करके देखें, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। तो मैं समझूंगा कि जो मैंने मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, आप तक पहुंचाने में, वो सफल हो गया। तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो जो भी समस्याएं मैंने बताई हैं, इन सभी बीमारियों के अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें प्रभाकर बट्टी बहुत ज्यादा लाभप्रद है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और बहुत सारी वीडियो मेरा आयुर्वेदिक औषधि पर है, आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हो। सभी वीडियोस में मैंने आयुर्वेदिक औषधियों का परिचय ही नहीं दिया, बीमारियों के बारे में ही नहीं बताया, उसकी प्रयोग विधि भी बताई है, कैसे आप प्रयोग करेंगे, कितनी मात्रा लेंगे और कौन सा अनुपान है। फिर से मैं बता देता हूं, जो भी आयुर्वेदिक औषधि है सबसे ज्यादा अनुपान के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कि हम किस चीज के साथ उसे खाते हैं उसी के साथ इसका संबंध होता है, क्योंकि जिस चीज के साथ हम इसको लेंगे उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि ये कितनी कारगर है, कितनी असरदार है। तो सबसे पहले मैं खुराक की बात करूंगा, फिर अनुपान बताऊंगा कि इसकी खुराक कितनी लेनी है, कितनी खुराक आपको इसकी लेनी है। तो अगर इसके खुराक की बात करें तो आपको 125 से लेकर के 250 मिलीग्राम इसकी मात्रा आपको लेनी है। तो खुराक आपको 125 से 250 मिलीग्राम, मार्केट में आपको 125 से 250 मिलीग्राम का प्रभाकर बट्टी मिल जाएगा। तो आप चिकित्सक के परामर्श के अनुसार जैसी नीड है, जैसी आवश्यकता है, आप उसके अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी के अनुसार अगर इसका अनुपान देखें, जैसा कि मैंने बताया कि अनुपान सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम कभी भी देखते हैं आयुर्वेदिक औषधि जो भी पेशेंट खाते हैं डायरेक्टली पानी से आप ले लेते हो, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पानी से ले लेंगे तो वो ज्यादा असरदार होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आयुर्वेदिक औषधि है उसमें आयुर्वेदिक जो वैद्य है, जो भी ऋषि है या जो भी चिकित्सक है, उनके कहे अनुसार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अनुपान की होती है। अगर आप विपरीत अनुपान से अगर किसी औषधि द्रव्य का प्रयोग करते हो तो वह हमारे शरीर पे ज्यादा लाभ नहीं पहुंचाएगा। अगर अनुपान सही है और उसके साथ आप प्रयोग में लेते हो तो निश्चित ही असरदायक होता है और ज्यादा ये लाभ सही तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। तो इसका अनुपान अगर देखें, मतलब जल के साथ भी इसको आप ले सकते हो, अर्जुन छाल के काढ़े के साथ इसको ले सकते हैं आप, और दूध के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। तो मतलब इसमें अनुपान, कई ऐसी औषधियां हैं जिसमें अनुपान का विकल्प नहीं होता है, बस सिंगली एक ही अनुपान होता है, उसके साथ खाने होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा मिल रहा है। अगर आप चाहें तो जल के साथ ले सकते हो, अर्जुन छाल के काढ़े के साथ या दूध के साथ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप प्रभाकर बट्टी को दूध के साथ लेते हैं तो ये हमारे जो भी हमारी जो शारीरिक जो समस्याएं हैं, जितनी समस्याओं का उल्लेख मैंने किया है या चिकित्सक जो भी समस्याएं बताते हैं, उसमें अगर आप दूध अनुपान लेते हो, अनुपान का जो रूप है दूध, अगर दूध के साथ आप प्रयोग करते हो तो इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो प्रभाकर बट्टी का परिचय मैंने दिया कि ये हृदय और फेफड़ों रोग में बहुत ज्यादा लाभदायक है, उसके क्रम में बहुत सारी बीमारियां थी जिसमें मैंने बताया कि ये लाभ पहुंचाता है। तो अगर कोई भी है ऐसा पेशेंट है, अगर उसको समस्या है, तो आप उसको बताएं कि आप प्रभाकर बट्टी का प्रयोग कीजिए, चिकित्सक की सलाह पे उसकी मात्रा और अनुपान को फॉलो कीजिए और जरूरी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात आती है मेडिकल के जो स्टूडेंट जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, फाइनल ईयर के हैं और जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या जो दवा बनाने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप प्रभाकर बट्टी खुद अपने फार्मेसी में बनाएं और मैं उसके घटक द्रव्य बता देता हूं, आप उसका निर्माण करें और उससे अच्छा बेनिफिट
कम है, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस में है, इंटर्नशिप में है और जिनको जरूरत है दवाइयों की नॉलेज करने की, तो उनसे मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो भी घटक द्रव्य आपको बताए जाते हैं या आपने जो भी क्लासेस की है, लैब अटेंड किया है, लैब में जो भी दवाइयां बताई गई थी, दवा बनाने का जो निर्माण बताया गया था, औषधि पहचान कराया गया था, तो आप उसको एक बार फिर से दोहरा ले, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आयुर्वेद की औषधियों की औषधियों का पहचान अगर आपको आता है तो आप दवा बना करके अच्छा बेनिफिट कमा सकते हो। तो अगर आप फार्मेसी में रजिस्टर्ड हो तो मैं कहूंगा कि आपको जो भी औषधि द्रव्य या जो भी आयुर्वेदिक औषधि या दवा के बारे में मैं बताता हूं, उनमें से एक या दो प्रोडक्ट आप बना करके मार्केट में डाल सकते हैं, बेच सकते हैं, अच्छा बेनिफिट कमा सकते हो। तो चलिए देखते हैं फार्मेसी के जो स्टूडेंट है वो कैसे इसको बनाएंगे। तो जो इंटर्नशिप में है उनके लिए मैं बता दूं घटक द्रव्य क्या क्या है इसके, मतलब इसको हम किन किन घटक द्रव्यों की सहायता से बना सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो सबसे पहला आपको ये बता दूं कि जो भी ये औषधि है बिना भस्म के नहीं बन सकता है, भस्म की जरूरत है। तो कौन कौन से भस्म इसमें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला भस्म जो है वो माछिक भस्म, माछिक भस्म जो का भस्म चाहिए आपको एक भाग, माछिक भस्म एक भाग। दूसरा लौह भस्म चाहिए, लोहे का भस्म वो भी एक ही भाग चाहिए, चाहिए त्रिगा छीरी एक भाग। फिर ताम्र भस्म भी एक भाग। उसके अलावा आपको चाहिए शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत आपको चाहिए वो भी एक ही भाग चाहिए। लाल अर्जुन की छाल आपको लेनी है, किस लिए? मर्दनार्थ मतलब औषधि निर्माण के समय मर्दन के लिए, मतलब मर्दन करने के लिए, इन सभी लौह भस्मों का मर्दन करने के लिए अर्जुन के छाल का चूर्ण चाहिए, जिससे अर्जुन के छाल से आप उसको क्या कर सके, मर्दन करके इसकी बटी बना ले। और बटी बना के, जैसे आपको पता है बटी बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे उसको जार में रखेंगे, कैसे धूप में कितने दिन तक रखना है और कहाँ पे उसको रखना है, कैसे प्रयोग के बाद से कैसे डिब्बों में पैक करेंगे, ये सारी प्रक्रिया आपको पता है, मैंने घटक द्रव्य बता दिया। आप इसका निर्माण कर सकते हो और प्रभाकर बट्टी का निर्माण करके जो भी पेशेंट है, हृदय रोग के हैं, फेफड़ों के रोग के हैं या पीलिया से ग्रसित हैं, खून की कमी है, नींद नहीं आ रही है, मस्तिष्क रोग के जो पेशेंट हैं या लीवर बढ़ने की समस्या से हृदय रोग हुआ है, हृदय प्रभावित है, तो ये सारी समस्याओं में आप उन्हें दे सकते हो और निश्चित ही लाभ उन्हें मिलेगा। आप जो प्यार दे रहे हो मुझे वो हमेशा देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। और जो चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अगर जो चीजें नहीं समझ में आई या कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।